हेलो दोस्तों, नमस्कार। बेंगलोर फर्स्ट ईयर 1100 मीटर्स, यार 2 ईयर्स ओल्ड, मैंने बच्चों की रेस है यार। पूरा टोटल जो है ब्रीड एंड ट्रैक एंड हॉर्स वेट, पूरा घोड़े का जो वजन है ना उस पर बात बनती है। तो आप रेस टू रेस ज़रूर देखना, लेकिन मैंने जो ट्रैक और ब्रीड चेक किया है उसके हिसाब से मुझे जो पहली रेस में पसंद आ रहा है वो है हॉर्स नंबर 3 एंड हॉर्स नंबर 5। ये देखो यार, हॉर्स नंबर 3 को जो है पूना रन बेनिफिट है, तो आप इसको इग्नोर कर नहीं सकते। एंड हॉर्स नंबर 5 जो है ट्रैक भेज दे रहा हूँ, ट्रैक तो मुझे बहुत पसंद आया है एंड ब्रीड लाइन भी बड़ी है। तो आप रेस टू रेस जो है घोड़े का जो वेट होता है पूरा टोटल वेट, जैसा कि 430 ऐसा होता ना, तो वो देख कर आप प्ले कीजिएगा। तो फर्स्ट रेस में 3 एंड 5 मुझे पसंद है। और सेकेंड रेस 1200 मीटर्स क्लास 4 डिवीज़न 2 की है, और इसमें पूरे 11 घोड़े हैं दोस्तों। तो मुझे जो समझ में आ रहे हैं टॉप टू हॉर्सेस वो है हॉर्स नंबर 2 एंड हॉर्स नंबर 3। यार हॉर्स नंबर 3 तो देखो कोई दे नहीं रहा, मैं जो कार्ड पढ़ रहा हूँ कम से कम उसमें तो 3 है नहीं, तो ये हिसाब से तो 3 अपसेट में बनता है। यार लास्ट टाइम देखो 16 वंश में इंटरफेरेंस हुआ है, सेम डिस्टेंस जा रहा है। ओके, तो जॉगी को चेंज किया है प्रसन्ना कुमार ने, इसका ट्रैक भी नहीं है लेकिन मुझे अपसेट में पसंद आ रहा है। एंड हॉर्स नंबर 2 जो है ये भी आपको भाव में रहेगा, क्योंकि यार ये लास्ट टाइम 40 का भाव था यार। तो आप ज़रूर यार रेस टू रेस में 2 एंड 3 पे नज़र रख सकते हैं सेकेंड रेस में। तो आ जाओ थर्ड रेस में। यार थर्ड रेस 1600 मीटर्स क्लास 4 की है, और इसमें जो मुझे पसंद आ रहे हैं टॉप टू हॉर्सेस वो है हॉर्स नंबर 2 एंड हॉर्स नंबर 3। यार हॉर्स नंबर 2 देखो ये भी कोई दिया नहीं है, आज पता नहीं है कि कार्ड में क्यों दे दिया नहीं है, मुझे क्यों पसंद आ रहे हैं, लेकिन ये कल ही पता चलेगा। तो लास्ट टाइम जो है हॉर्स नंबर 2 को जो है स्टम्बुल हुआ है घोड़ा, और 15 का भाव था, तो आज जो है निकाल कर ट्रेनर ने सेम डिस्टेंस ही डाला है घोड़े को, और जो है प्रभाकर को निकाल कर अक्षय कुमार को बिठाया है राजेश नायडू ने। तो ये अगर 3 साल का बच्चा है तो अपसेट में और अक्षय को बिठाया है तो यार बात बनती है, क्योंकि 0.5 घोड़े को कम हो रहा है। तो आप इस पर ज़रूर नज़र रखना। एंड हॉर्स नंबर 3 मुझे लगता है रेस टू रेस फेवरेट होगा, तो वो पहली रेस अगर मारा है पीट ओवर ने तो यहाँ ऑटोमेटिक फेवरेट हो जाएगा। तो आप इस पर ज़रा संभल के देख के खेलना। तो तीसरी रेस में 2 एंड 3। यार फोर्थ रेस 1200 मीटर्स क्लास 3 5 ईयर्स ओल्ड एंड अप की है, और इसमें मुझे जो घोड़े समझ में आ रहे हैं वो है हॉर्स नंबर 3 एंड हॉर्स नंबर 6। फिर यार जो मैं 6 दे रहा हूँ ना वो तो मेरे कार्ड में है नहीं, जो कार्ड में रीड कर रहा हूँ। अगर आप कार्ड देख रहे हैं फॉलो कर रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से कार्ड में है नहीं, राइट है ना। तो हॉर्स नंबर 6 में बोर्ड की कार्ड की पब्लिसिटी करना नहीं चाहता तो इसलिए बोल रहा हूँ। तो फोर्थ रेस में हॉर्स नंबर 6 अपसेट में पसंद है। क्यों पसंद है मैं एक बार बात करता हूँ। देखो यार ये जो है ऑलरेडी 1200 मीटर जो है 22 मंच में मार चुका है, उसके बाद 299 मंच भी ये मार चुका है, तो प्रमोशन में आ रहा है 6 किलो कम हो रहा है। हाँ ये अलग बात है कि इसका एज, घोड़े का जो एज है वो 7 साल का है, लेकिन मुझे लगता है यार ये फाइट कर सकता है इन लोगों के साथ। तो हॉर्स नंबर 3 एंड हॉर्स नंबर 6 फोर्थ रेस में। यार फिफ्थ रेस 1400 मीटर्स क्लास 2 की है, और इसमें मुझे जो समझ में आ रहे हैं वो है हॉर्स नंबर 2 एंड हॉर्स नंबर 3। चलो इसमें कम से कम तो ये कार्ड में ये 2 भी घोड़े है। तो यार 1400 मीटर्स का जो है डिस्टेंस है, तो यार हॉर्स नंबर 3 देखो ये कोल्स मारकर जो है 200 मीटर कम होकर 2 किलो बढ़कर आ रहा है। प्रसन्ना कुमार इसमें यार मुझे लगता है 3 घोड़े डाला है, तो ये घोड़ा चलाएगा या नहीं चलाएगा, इसके बदले में कौन सा तो भी घोड़ा प्लेस करेगा ये मुझे डाउट है, लेकिन 3 मुझे लगता है रेस टू रेस फेवरेट होगा। तो थोड़ा ध्यान से बच के समझ में आए तो ही खेलना। एंड हॉर्स नंबर 2 इसके अपोजिट समझ में आ रहा है, तो फिफ्थ रेस में 2 एंड 3। तो दोस्तों एक गुड न्यूज़ है, मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हो चुका है, और आप यूट्यूब में मेरा वीडियो देखते हैं, और आप सबको मेरे मन से यार थैंक यू
सपोर्ट करने के लिए। मैं फिर कहता हूँ यार, कई लोगों तक जो है अपना चैनल पहुँचा नहीं है, अभी जो छोटे छोटे फंटर है उन तक भी नहीं पहुँचा यार, उन तक चैनल ज़रूर पहुँचाना। आपके कोई दोस्त है, आपको कोई जानता है, या आप किसी को जानते हैं तो उसको ज़रूर पहुँचाना, उसका भी फ़ायदा होगा दोस्तों। और ये दोस्तों यूट्यूब पे जो है थैंक्स बोलकर एक नीचे आता है, जैसा कि शेयर बोल के आता है वैसे थैंक्स बोल के आता है। अगर कोई इस चैनल से किसी का फ़ायदा होता है और कोई मुझे फाइनेंशियली कुछ हेल्प करना चाहता है तो आप उस पर भी बटन दबाकर कुछ हेल्प कर सकते हैं। तो ओके दोस्तों, थैंक यू। तो चलते हैं सिक्स रेस में। यार सिक्स रेस 1600 मीटर्स क्लास 4 की है, 4 ईयर्स ओल्ड एंड अप की है। और इसमें मुझे जो घोड़े समझ में आ रहे हैं वो हॉर्स नंबर 3 एंड हॉर्स नंबर 4। फिर बोल रहा हूँ यार, हॉर्स नंबर 4 मैं जो काट पट रहा हूँ उसमें है नहीं, तो ये हिसाब से हॉर्स नंबर 4 को आपको भाव मिल सकता है। तो यार देखो, मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये जो मंटील डायमेंशन जो ब्रीड है ना, वो 1600 मीटर जा सकती है। तो मैं इसी ब्रीड बेस में हॉर्स नंबर 4 को अपसेट में दे रहा हूँ। एंड हॉर्स नंबर 3 जा रही है क्लास का, ऑलरेडी विनर है, 200 मीटर ज़्यादा जा रहा है, तो जॉगी को चेंज किया है ट्रेनर ने। तो सिक्स रेस में 3 एंड 4। यार सेवन्थ रेस आज की लास्ट रेस 1200 मीटर्स क्लास 4 डिवीजन 1 की है। एंड इसमें जो मुझे पसंद आ रहे हैं घोड़े वो है हॉर्स नंबर 3 एंड हॉर्स नंबर 4। हॉर्स नंबर 4 फिर यार इस कार्ड में है नहीं, मैं दोबारा दोबारा कर रहा हूँ, इस कार्ड में है नहीं। तो यार जो कार्ड में नहीं होता वो भाव में होता है, और जो भाव में होता है वो अपसेट होता है। तो ज़रूर जो है आपको समझ में आते तो ही खेलना, रेस टू रेस देख के समझ कर खेलना। घोड़े ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, आपको पता होगा यार मैसूर का पहली या दूसरी दूसरी रेस हॉर्स नंबर 1 जो है 30 के भाव में मैंने घोड़ा दिया है राकेश का। तो नहीं देखे तो और एक बार देख लेना, मैसूर में लेटेस्ट जो हुई रेस उसमें मैंने 1 नंबर टॉप में दिया था। तो ऐसा है यार कि अपसेट जो है मारते हैं, नहीं मारते बोल के नहीं, लेकिन यार कभी कभी नहीं मारे तो आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए कहता हूँ कि रेस टू रेस देख के ध्यान से खेलना। तो सेवन्थ रेस में 3 एंड 4। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।